भारत सेवा श्रम संघ ने असहाय जरूरतमंदों के बीच किया कंबल का वितरण। कड़ाके की ठंड को देखते हुए उठाया कदम। 500 से भी अधिक जरूरतमंदों के बीच बांटे कंबल। गया शहर के स्वराज्यपुरी रोड स्थित भारत सेवा श्रम संघ के प्रांगण में भीषण ठंड को देखते हुए सेवा कार्य के तहत 500 से अधिक गरीब एवं असहाय जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया गया। भारत सेवा श्रम संघ के अध्यक्ष स्वामी ध्यानेशानंद महाराज के नेतृत्व में कंबल का वितरण किया गया। इस मौके पर भारत सेवा संघ के अध्यक्ष स्वामी ध्यानेशानंद ने बताया कि सेवा कार्य के तहत गरीब एवं असहाय जरूरतमंदों को भीषण ठंड से थोड़ी राहत मिले, इसी उद्देश्य से कंबल का वितरण किया गया है। लगभग 500 महिला एवं पुरुषों के बीच कंबल का वितरण किया गया। उन्होंने कहा कि इन दिनों गया जिले में काफी ठंड पड़ रही है, जिस कारण गरीब असहाय लोगों को काफी परेशानी हो रही है। इसी को लेकर भारत सेवा श्रम संघ उनकी मदद के लिए आगे आया है। सेवा कार्य के तहत इन लोगों के बीच कंबल का वितरण किया गया है। संघ से जुड़े लोग हमेशा प्राकृतिक आपदा या किसी भी जरूरत के समय सहयोग करने के लिए आगे रहते हैं। उन्होंने कहा कि हम अन्य लोगों से भी अपील करते हैं कि इस ठंड में गरीब एवं असहाय जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आए। इस मौके पर पंडित अजय चक्रवर्ती, दशरथ कुमार एवं अन्य लोग मौजूद रहे। इंडिया न्यूज वायरल, बिहार झारखण्ड के लिए गया से प्रदीप रंजन की रिपोर्ट। एक और राजनीतिक और सांप्रदायिक अंतर्जातिक धर्म सभा प्रतिष्ठान है। ये मेनली इनका कार्य सेवा सेवा का भावना से गुरु महाराज ये संस्था की माना है। ये संस्था ऑल ओवर इंडिया में भी है, केवल इंडिया में नहीं है। तो कोई भी बाढ़ भी हो, कोई भी दुर्भिक्ष हो, कोई भी नेचुरल कैलामिटी हो, प्राकृतिक दुर्योग हो, तो दुखियों पीड़ित की सेवा की जाती है। तो मैं शताब्दी समारोह में हमारा गया में बड़ा समारोह हो चुका, तो इसी के लिए मैं दुखियों पीड़ितों को कंबल बांट रहा हूँ। तो हर साल भी हम ठंडी के दिन में कंबल शीत वस्त्र देते हैं हम लोग। इसीलिए आज ये कंबल बांटने के लिए अनुष्ठान का आयोजन किए गए हैं। तो कंबल हम बांट रहे हैं, तो हमारा 100-500 आदमी को कंबल दिया जाएगा। मैं भारत सेवाश्रम इस संस्था का गोया शाखा का अध्यक्ष हूँ, और हमारा भारत सेवाश्रम संस्था का जो सह संपादक भी है। नाम क्या बोलूंगी मैं? हमारा नाम स्वामी धनशानंद जी महाराज। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।